से विधानसभा के अंदर तानाशाही पूरी चल रही है, डिक्टेटर अंदाज से सरकार चल रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर आ गई है इसके खिलाफ। समाजवादी पार्टी सड़क पर आ गई है, पिछले दिनों का तो नहीं निकलने दिया था, इसी वजह से हुआ है क्या है? ये बहरहाल तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं ये भी सब निकल चुके हैं यहाँ से और सीधे पार्टी कार्यालय का रुख कर चुके हैं नेता। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर जो है वो इस बात का ऐलान किया था कि कोई भी नेता जो है समाजवादी पार्टी का वो सदन कार्रवाई में अभी हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि आजम खां के मुद्दे पे सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है और आजम खां के मुद्दा जो है वो बहुत अहम है। फिलहाल अखिलेश यादव का ये पैदल मार्च आज देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें भारत समाचार पर, ये तस्वीरें जो है वो आपको नजर आ रही होंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब वो पार्टी कार्यालय तक के लिए पैदल मार्च करने के लिए निकल पड़े हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और अखिलेश यादव के साथ साथ जाहिर है कि उनके तमाम साथी भी पैदल मार्च कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा संघर्ष है और बड़ी चुनौती थी आजम खां को लेकर, इन्होंने बातचीत तो किया था लेकिन हाँ इनकी बात शायद सुनी नहीं गई या उचित रिस्पांस नहीं मिला, यही वजह है कि आज अखिलेश यादव सड़क पे निकल पड़े हैं। और आज सदन का आखिरी दिन था और उनके साथ सारे विधायक वो भी यहाँ पे मौजूद थे और साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी की तरफ इन सब ने रुख कर दिया है। अखिलेश यादव खुद भी समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि आज ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इनके पार्टी के नेताओं के साथ अन्याय हो रहा है, इस बात का इन्होंने जिक्र किया था और इसी को लेकर उन्होंने आज आजम खां से मुलाकात की थी। बहरहाल पार्टी कार्यालय के पास इनका पूरी पदयात्रा पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव नजर आएंगे और उनके साथ सारे उनके विधायक मौजूद हैं, यानी कि सदन में आज कार्रवाई में हिस्सा अभी शुरुआत में इन लोगों ने नहीं लिया है, आगे सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से अखिलेश यादव का मार्च, तमाम विधायकों के साथ वॉकआउट के बाद विरोध के स्वर कह सकते हैं लगातार तेज है और समाजवादी पार्टी का लगातार हमला ये है कि सदन में उनके मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता है, सरकार नहीं चाहती है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं सरकार उस पर चर्चा करे और शायद यही वजह है आज विधानसभा से अखिलेश यादव वॉकआउट करने के बाद अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं आक्रामक अंदाज में और जनहित के मुद्दों को जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है। आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में आज विधानसभा से वॉकआउट के बाद जमकर विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव और उनके तमाम सपा विधायक। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। विधानसभा से वॉकआउट के बाद लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जनहित से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है समाजवादी पार्टी। और आप देखिए तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में सपा के विधायक लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और बड़ी